तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में आरके टेक्निकल में। तो दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा भाग है। हमने पहला भाग में इसका ट्रांसफार्मर को चेक किया था, वो ख़राब निकल गया था। तो ट्रांसफार्मर मेरे पास नहीं था, तो मैं इसका ट्रांसफार्मर लेकर आया हूँ और आज के वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को फुल वॉच करना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, चलो वीडियो चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलो हम चेक करते हैं मेरा जो नया ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी कंपोनेंट को लगाओ, सबसे पहले वो नया रहे चाहे पुराना रहे, उसको चेक करना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों, मैं साथ साथ इसे भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है और एक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों, आपको बीप करेंट में सेट करना है कुछ इस तरह और चेक करना है। तो एक एक करके चेक करते हैं दोस्तों। ये हमारा जीरो है, ये देखो दोस्तों बीप का आवाज़ आ रहा है। और इसमें देखते हैं, इसमें भी बीप का आवाज़ आ रहा है। तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग चालू है। और दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को भी चेक करना है। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, बीप का आवाज़ नहीं आता, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बताया गया है, देखो दोस्तों कुछ इस तरह। ये देखो दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस बता रहा है, 131 रेजिस्टेंस बता रहा है। मतलब ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है नया वाला बिल्कुल ही चालू है। और दोस्तों, पुराना जो ट्रांसफार्मर था उसमें प्राइमरी वाइंडिंग बता नहीं रहा था। ये देखो दोस्तों, इसका प्राइमरी वाइंडिंग का वायर था। और देखते हैं हमारा, ये देखो दोस्तों, ये जो पुराना ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब था और इसका सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल ही चालू था। ये देखो, इसका सेकेंडरी वाइंडिंग चालू था और इसका प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब था। तो दोस्तों, अब हम इसको इसमें कस लेते हैं और कसने के बाद आप लोगों को कनेक्शन बताते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको कस लेता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इसका ट्रांसफार्मर लगा लिया है मैंने अच्छे से, देखो। और दोस्तों, मैं इसमें वायर भी जोड़ा है, क्योंकि दोस्तों जो इसका वायर था वो छोटा पड़ रहा था। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन करेंगे। ये दोस्तों, हम सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन कुछ इस तरह करेंगे। कुछ इस तरह हम पहले जो काला वाला वायर है उसको निकाल लेंगे, बारी बारी निकालना है ताकि कनेक्शन में आप लोगों को कंफ्यूज मत हो। ऐसा पहले काला वाला वायर को निकाल लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम एक ब्लैक वाला वायर लेंगे। कोई भी ब्लैक वाला वायर ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं रहता, कोई भी ब्लैक वाला एक वायर लेना है और इसमें ऐसा लगाना है कुछ इस तरह। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को ये जो ग्रीन वाला वायर है, ये वाला का काला वाला मैंने जोड़ लिया। अब दोस्तों, आप लोग लेना है ये ब्लू वाला जो बीच का वायर है उसको। और दोस्तों, आप लोगों को बीच में ही लगाना है बीच का वायर, और आप लोग उधर लगा दोगे आइड साइड तो गड़बड़ हो सकता है। तो आप लोगों को जो बीच वाला वायर है आप लोगों को बीच में ही लगाना है कुछ इस तरह। मैंने इसका बीच वाला वायर खोला है और इसका बीच में ही लगाऊँगा बस। और अब बच गया हमारा एक काला वाला, तो फिर मैं ये काला वाला भी ले लेता हूँ और अपने काला वाला पे ही काला वाला पर लगा देता हूँ। तो कनेक्शन को आप अच्छे से देखना, आप लोग ये काला और ये काला इधर भी इधर कर सकते हो उल्टी पल्टी। और दोस्तों, जो बीच वाला है उसको आप इस तरफ नहीं लगा सकते हो ना इस तरफ, बीच वाले को बीच वाले में ही लगाओगे तो ही काम करेगा। और दोस्तों, ये हमारा एसी का कनेक्शन है। एसी का तो आप कुछ भी डाल सकते हो। आप सबसे पहले इसका फ्यूज़ में लगाना, क्योंकि दोस्तों फ्यूज़ में लगाना प्रोटेक्शन है इसका। तो हम इसका फ्यूज़ में लगा देते हैं एक वायर को, और एक वायर को दोस्तों हम इसका जो एसी का जो मेन लीड है उसमें लगा देते हैं। तो मैं इसका ऐसे लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद आप लोग सोल्डिंग कर लेना, क्योंकि दोस्तों पकड़ अच्छा बनना आता है सोल्डिंग करने से। तो हम इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि अच्छा पकड़ बन जाए। और दोस्तों, उसके बाद आप लोग टेप भी मार लेना, और ये करने के बाद आप लोग इसका कवर लगाकर पहले आप लोग इसको ऑन कर देख लेना, उसके बाद आप लोग नट वगैरह लगाना। तो मैं इसको दोस्तों एसी सप्लाई देता हूँ प्लग से, और देखते हैं कि हमारा जो चेंजर है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसको एसी सप्लाई देखता हूँ, बटन ऑन करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हमारा पावर आ गया है। देखो दोस्तों, इसका एलईडी ग्लो कर रहा है, ये देखो पावर ऑन। और दोस्तों, हम इसको मेन स्विच ऑन करते हैं जो उसका
सप्लाई सेक्शन है एम्पली सेक्शन को। तो ये देखो दोस्तों, हमारा बिल्कुल ही सही से चालू हो गया है। अब दोस्तों मैं इसको कवर में फिट करके अच्छे से आप लोगों को साउंड इसका टेस्ट करके दिखलाता हूँ। तो दोस्तों मैं पहले बंद कर लेता हूँ और इसका कवर वगैरह फिट करके आप लोगों को साउंड चेक करके दिखलाता हूँ। तो कवर को कुछ इस तरह आप लोगों को फिट करना है, कोई ख़ास बात नहीं है कवर फिट करने पे। तो इस तरह आप लोग कवर फिट कर लेना और इसका नट वगैरह को अच्छे से कस लेना, और कसने के बाद आप लोगों को मैं साउंड चेक करके दिखा। तो मैंने इसको अच्छे से कस लिया है, इसका स्क्रू वगैरह। अब दोस्तों हम इस मोबाइल के जरिए से ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसका साउंड चेक कर लेंगे। तो दोस्तों मैं पावर ऑन करता हूँ, ये देखो दोस्तों मेरा पावर आ गया है। अब दोस्तों हम इसका जो एम्पलीफायर है उसको ऑन करते हैं। तो ये देखो दोस्तों इस एम्पलीफायर ऑन है, ब्लूटूथ मोड में है। अब हम इसको सर्च मार के कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कनेक्ट हो गया है शायद। तो मैं इसमें एक गाना प्ले करता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसका साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, और ये बिल्कुल ही हमारा जो सही से वर्क कर रहा है। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।